How are you? Tito, I am your class teacher Shobha Sharma ma'am. देखिए अपन पहले दो वर्ण वाले और तीन वर्ण वाले शब्दों को पढ़ चुके हैं। दो वर्ण वाले भी अपन पढ़ते हैं और तीन वर्ण वाले भी मिलाकर अपन ने वर्णों को पढ़ा है। आज अपन दो व तीन वर्णों के शब्द छांट कर नीचे दी गई जगह पर लिखेंगे। नीचे दी गई जगह दे रखी है मैंने, यहाँ पांच पांच शब्द दे रखे हैं, वो आपको छांट कर लिखे। दो वर्ण वाले शब्द आपको यहाँ लिखने हैं और तीन वर्ण वाले शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। ओके, अब देखिए कै और से मैं कसम, ये दो वर्ण वाला है, तीन वर्ण वाला शब्द है, ये तीन वर्ण वाला शब्द है, तो तीन वर्ण वाले शब्द आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कै से और मैं कसम। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए वे ने वन वन दो वर्ण वाला है कि तीन वर्ण वाला है, वन दो वर्ण वाले शब्द हैं, तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे वे ने वन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रे खे र, क्या ये शब्द रे खे र, र को अपन दो वर्ण में लिखेंगे कि तीन वर्ण में भी लिखेंगे, बताइए। अपन लिखेंगे दो वर्ण में, किसमें लिखेंगे हम, दो वर्ण में, रे और खे, रे खे र। ठीक है, अब आगे देखिए भय वै न भवन, अभी बताइए दो वर्ण वाला है कि तीन वर्ण वाला है, यह है तीन वर्ण वाले शब्द, क्या है ये तीन वर्ण वाले शब्द, तो इसको तीन वर्ण वाले शब्द को अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए भय वै न भवन। ठीक है, आप आगे देखिए नेक्स्ट देखिए वैश्य, वैश्य वश, वैश्य वश, अभी बताइए दो वर्ण वाला शब्द है कि तीन वर्ण वाला शब्द है, ये है दो वर्ण वाला शब्द, अब अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे वै शय वश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है ले हल, है ले हल। ठीक है, अभी बताइए ये दो वर्ण वाला है कि तीन वर्ण वाला है, है ले हल, ये है दो वर्ण वाला शब्द, है ले हल दो वर्ण वाला है, तो इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे दो वर्ण वाले शब्द में लिखेंगे है ले हल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गे टे के, क्या बना गे टे के घटक, क्या बन गया गे टे के घटक, अभी दो वर्ण वाला है कि तीन वर्ण वाला लगता है, ये है तीन वर्ण वाला शब्द। ठीक है, अब अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये तीन वर्ण वाले शब्द है। ठीक है, तो लिखिए गे टे के, क्या बन गया गे टे के घटक। अब देखिए नेक्स्ट देखिए शय है रे, शहर, अभी बताइए दो वर्ण वाला है या तीन वर्ण वाला है, इसमें कितने वर्ण है, इसमें तीन वर्ण है। ठीक है, शहर है रे शहर, तो अपन तीन वर्ण वाले शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम शहर है रे शहर। ठीक है, अपन ने क्या लिखा है शहर है रे शहर। ठीक है, ये तीन वर्ण वाला है। आगे देखिए पत्र, पत्र करना है नीट एंड क्लीन और प्रॉपर्ली। ठीक है किड्स, थैंक यू।